प्रखंड अंतर्गत महुदा मोड़ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद के कर कमलों द्वारा फीता काट कर हुआ नारियल फोड़ कर किया गया। इस दौरान बागमारा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक मिनट का मौन रखा गया। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि यह कार्यालय यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। आगे उन्होंने कहा कि महुदा क्षेत्र के पत्रकारों को एक प्रेस क्लब की अति आवश्यकता है। इसे देखते हुए उन्होंने घोषणा किया है कि बहुत जल्द महुदा के पत्रकारों को एक प्रेस भवन देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बागमारा क्षेत्र में समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर जन कल्याण विकास केंद्र के कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति की। इस अवसर पर महुदा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार महतो, मुकेश लाला, अनिल उपाध्याय, परमिंदर सिंह, डॉक्टर धीरेंद्र प्रसाद, भरत नोनिया, विकास गोस्वामी, मिंटू मिश्रा के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यालय की आवश्यकता थी इसलिए कि डॉक्टर सेवा प्रसाद जी हम लोगों के अभिभावक थे और वो जब तक यहाँ बैठे हुए रहते थे तो सारे कार्यकर्ता पुराने नए अच्छे बुरे वो यहाँ पर मिलते थे, जुलते थे, जाते थे। उनके गुजर जाने के बाद ये हम लोगों का जगह सूना हो गया था। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक कार्यालय खुले ताकि यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक बैठने का स्थान मिले। और चूँकि डॉक्टर सेवा प्रसाद जी सबसे पुराने व्यक्ति थे तो अब यहाँ का इंचार्ज हमारे डॉक्टर अमरनाथ सिंह जी रहेंगे। डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर नहीं, वो भी जैसे डॉक्टर तो उसी भी डॉक्टर है। और दूसरा ये है कि जो कार्यकर्ता इधर उधर हैं तो यहाँ एक कमेटी भी बन रही है, वो कमेटी है मोदी अगेन का, मोदी अगेन 2024, उसका कमेटी भी बन गया है। उसके अध्यक्ष आपके परमिंदर सिंह जी हैं और बागमारा में भी कमेटी बन रहा है, कतरास में बन रहा है कमेटी, मैंने पूरे बागमारा विधानसभा में मोदी अगेन 2024 का गठन हो रहा है। और इसके बाद हम लोग भी आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी वो पार्टी वो कार्यक्रम होता है। और आज सबसे बड़े दिन रक्षाबंधन का दिन था तो रक्षाबंधन पर सब लोगों को मेरी ओर से बधाई भी है, बहुत बहुत।